नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे बिल्कुल अलग अंदाज में। राधा स्वामी सत्संग हॉल कोविड केयर सेंटर के मामले में बड़ी खबर। कोविड केयर सेंटर मरीजों के लिए तैयार हुआ, हालांकि अभी मरीजों का पहुंचना यहां शुरू नहीं हुआ। संभवतः कल से मरीजों का यहां आना भी शुरू हो जाएगा। 10 लाख वर्ग फीट में ये फैला हुआ है। और बता दें, यहाँ 5000 से 8000 तक बेड लगाए जा सकते हैं। इसकी क्षमता यहाँ मौजूद है। अभी 500 बेड से इसकी शुरुआत की गई। सेंटर को विकसित करने और इसके संचालन के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई। राज्य सरकार ने जेडीए को इसका नोडल एजेंसी बनाया है। तो प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक बड़ा कोविड केयर सेंटर अब पूरी तरह से मरीजों के लिए तैयार हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राधा स्वामी सत्संग हॉल से जुड़ी हुई। और यहाँ पर अभी मरीजों का पहुंचना हालांकि शुरू नहीं हुआ, संभवतः कल से मरीजों का यहाँ पहुंचना, यहाँ आना शुरू हो जाएगा। 10 लाख वर्ग फीट में ये सेंटर फैला हुआ है। यहाँ 5000 से 8000 तक बेड लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी 500 बेड के साथ इसकी शुरुआत की गई। सेंटर को विकसित करने के लिए, इसके संचालन के लिए नोडल एजेंसी भी बनाई गई। राज्य सरकार ने जेडीए को नोडल एजेंसी बनाया है। और सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए पूरी तरह से कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार है, कब इसकी शुरुआत की जाएगी और निश्चित तौर पर ये मान लिया जाए कि कल से मरीजों का आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से शहर में और शहर और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो है निजी हो या सरकारी अस्पताल, वहां पर जिस तरह से बेड की संख्या कम होती जा रही है, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने दूरदर्शी फैसला करते हुए इस स्टेट कोविड सेंटर को बनाने का फैसला किया था। और ये जिम्मेदारी जीडीए जिला को दी थी। जीडीए नोडल एजेंसी है। जीडीए के अलावा इसमें जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की ओर से भी सहयोग किया जा रहा है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ का इसमें अहम रोल है, क्योंकि इस कोविड केयर सेंटर के लिए जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, जो एक्सपर्ट्स है, वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ही लगाए जाएंगे। और ये संभवतया पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आज शाम या कल से यहाँ पे मरीजों का आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कितने जो मौजूदा अस्पताल है, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर किस तरह से जो है ओवरफ्लो हो चुके हैं, तो वहाँ पे इससे मरीजों को यहाँ पे लाया जा सकता है। तो इसलिए आवश्यकता को देखते हुए बनाया गया है और अभी 500 से इसकी शुरुआत की गई है। जैसे ही इसमें जरूरत पड़ेगी तो 500-500 करके इसको बढ़ाया जा सकेगा। अभी 500 बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा बड़ी बात ज्योति इसमें ये भी है कि इस कोविड केयर सेंटर के विकसित करने में दानदाता भी बड़े चढ़कर भाग ले रहे हैं। करीब 200 से ज्यादा फोल्डिंग पलंग दानदाताओं की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा कार्डबोर्ड वाले जो पलंग है वो भी दानदाता दे रहे हैं। जेडीए ने खुद 500 ऐसे पलंग का ऑर्डर दिया है और उनके आने के बाद 500 का और ऑर्डर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और एक्सपर्ट भी दावा कर रहे हैं कि ये जो कोरोना का जो पीक है ये जून तक जो है चलेगा, तो इस लिहाज से किस तरह की दिक्कत नहीं हो, लोगों को इलाज मिल सके, इसलिए इस कोविड केयर सेंटर को विकसित किया गया है। और यहाँ खास बात यह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और अन्य जो आवश्यक दवाएं हैं उनकी उपलब्धता भी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, बाकी राज्यों में अभी जो कोरोना की स्थिति है, हालांकि राजस्थान में अभी उन राज्यों के मुकाबले बेहद कम केस यहां पर है, लेकिन स्थिति चूंकि मई जून में बेहद खराब हो सकती है, ऐसे में पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका।